दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग स्थान देवघर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दूंगा। और अगर इस सावन आप भी देवघर आना चाहते हैं तो मिलेगी आपको संपूर्ण जानकारी। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने के लिए सावन में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर को लेकर कई पौराणिक कथा भी है। ऐसे में आप भी बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो जान लीजिए ये सारी जानकारी। तो दोस्तों देवघर शिव भक्तों के बीच काफी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ महादेव बाबा बैद्यनाथ के रूप में माता पार्वती के साथ विराजित हैं। यहाँ के बारे में दो रोचक कहानियां हैं। सबसे पहली कहानी ये है कि यहाँ माता सती का हृदय आकर गिरा था और इसी पर विराजमान है बाबा बैद्यनाथ की शिवलिंग। इस जगह को शिव शक्ति का मिलन स्थल भी कहा जाता। दूसरी कथा में यह है कि रावण महादेव के शिवलिंग को लेकर के जा रहा था और उसे रास्ते में पेशाब लगा तो उसने शिवलिंग को इस स्थान पर रख दिया और जब वो लौटा तो शिवलिंग उससे उठ ही नहीं पाया और बाबा यहीं विराजमान हो गए। इसके अलावा भी यहाँ मंदिर पर लगे पंचशूल को लेकर भी कई कहानियां हैं। तो इस सावन अगर आप इन तमाम कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बाबा के दर्शन करने के लिए आ जाइए। तो दोस्तों इसके लिए अगर आप दिल्ली से यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा इससे जुड़ी हुई जानकारी, साथ ही जानेंगे बाकी अन्य डिटेल्स विस्तार से। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली से देवघर आना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। पहला फ्लाइट से, जिसमें कि आपको 3 घंटे लग सकते हैं। इसके लिए आपको दिल्ली से देवघर DGH के लिए फ्लाइट लेनी है। इसमें आपको 5,000 तक की एक टिकट मिल जाएगी। दूसरा तरीका है आप ट्रेन से जाएं, जिसमें आपको 17 से 18 घंटे लग सकते हैं। यहाँ आप सिटी जंक्शन और देवघर रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन ले सकते हैं। यहाँ से मंदिर बहुत दूर नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये मंदिर सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक खुलता है। दोपहर में ये बंद हो जाता है और शाम को 6 बजे से दर्शन के लिए। इस दौरान यहाँ षोडशोपचार पूजा और श्रृंगार पूजा होती है। देरी हो रही हो तो मंदिर में जाने के लिए VIP पास की बुकिंग होती है, जिसका रेट 250 रुपए तक होता है। और साथ ही बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग में रहने के लिए आपको कई सारे धर्मशाला मिल जाएंगे। यहाँ आप फ्री में रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ में आपका 100 से 200 रुपए देकर रह सकते हैं। इसके अलावा आप AC और अपने बजट अनुसार यहाँ ठहर सकते हैं। खाना भी यहाँ सस्ता है। आसपास आपको कई होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। इसके अलावा सरकार की ओर से हर जगह शिविर रहती है, जो फलहारी बम को फल, ड्राई फ्रूट्स और पानी मुहैया कराती है। इसके साथ ही बैद्यनाथ धाम के आसपास कई पर्यटन स्थल है, जैसे कि बैजू मंदिर, माँ शीतला मंदिर, नंदन पहाड़, नवलखा मंदिर, त्रिकूट पर्वत, डोलमंच, कुंडेश्वरी, नौलखा मंदिर और वासुकीनाथ मंदिर घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने आप लोगों को बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग देवघर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी। अगर आप आ रहे हैं तो प्लान बनाइए और इसी के अकॉर्डिंग अपना यहाँ बुकिंग करवा लीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये जानकारी आप लोगों के काम आएगी। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।